पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स को इजाजत के बाद कराची के ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। कहते हैं तमाम SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत हतमी शक्ल देकर ट्रांसपोर्ट खोले, जबकि ताजिरों ने कल से मुकम्मल कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। दो माह की बंदिश के बाद कराची के ट्रांसपोर्टर्स के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स को इजाजत मिली तो उन्होंने भी सिंध हुकूमत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर ऑल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद अरशद बुखारी कहते हैं कि हुकूमत SOPs तैयार करे, अमल दरामद को यकीनी बनाए। ट्रांसपोर्ट का मसला मेहरबानी है हुकूमत की, उन्होंने सॉल्व कर दिया है। SOP है, इन पर पूरा उतरे। उन्हें से अपने घर जाके राज सेवियां भी खावांगे ते ईद भी मनावांगे। लॉकडाउन बंदिश से शहर में चलने वाली 7000 से ज्यादा बसों के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और यौमिया उजरत पर काम करने वाला दीगर अमला सख्त परेशान है। कहते हैं दीगर शोबों की तरह एहतियात के साथ ट्रांसपोर्ट को भी खोला जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब ताजरों ने पीठ से अपना मुकम्मल कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। अतीक मीर और दीगर ताजरों ने कहा है कि हम कल से अपना मुकम्मल कारोबार खोल रहे हैं। मुलाजमीन बेरोजगारी से परेशान और फाका कशी पर मजबूर हैं। अगर मार्केटें इसी तरह बंद रही तो ये हलाल कमाने वाला तबका भी चोरी, डकैतियां या फिर खुदकशियों पर मजबूर होगा। बेहतर ये है कि हम कारोबार खोलें और SOPs पर अमल करें।